बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अमान और खुश आमदीद कहता हूँ आपको अडल्ट फूड में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दही। घर में दही किस तरह बनाया जाता है, बहुत ही आसान तरीका है और आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप घर में इजीली ये बना सकते हैं और बहुत ही मीठा और बहुत ही अच्छा और गाढ़ा दही बनता है घर पे। तो आइए आपको बताते हैं ये किस तरह बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूध हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है और 1.5 लीटर दूध हमने लिया है और साथ इसमें बलाई ऐड कर लिया है। अम्मी कहते हैं कि बलाई डालने से दही ज़रा गाढ़ा बनता है और लजीज और मज़े का बनता है, तो इसलिए साथ हम बलाई इसमें ऐड कर रहे हैं और हम इसे 5 उबाल आने तक पका लेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 5 उबाल आ चुके हैं दूध में। अब हम इसे चूल्हे को कर देंगे बंद और एक बर्तन लेके हम उसमें डालेंगे। हमने ये मिट्टी की कनाली ली है, इसमें दही बहुत अच्छी तरह से जमता है, और हम इसमें अब एक बर्तन लेके अच्छी तरह दूध को फेंट लेंगे और फेंटी लगा लेंगे दूध की, पंजाबी में अगर बोलें तो फेंटी लगा के, तो हम उसे बर्तन में रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसमें जो है दही ऐड करेंगे जार लगाने के लिए। दूध को अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी तरह से फेंटा लगा लिया है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर आने तक के लिए रखेंगे जब हमारी फिंगर इसमें आसानी से डिप हो जाए, और तब तक हम इसे रखते हैं रेस्ट पे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह दूध हमारा जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ चुका है और हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 खाने का चम्मच दही। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है और ऐसे चम्मच ले के इसमें इसे अच्छी तरह से इस तरह हिला लेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए दही दूध, और हम अब इसे कवर करके एक साइड पे रख देंगे कवर करके। अल्हम्दुलिल्लाह दही रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से वो जम चुका है, और पहले हमने इसे 4 से 5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में कवर करके रख लिया था और 10-11 बजे के करीब इसे फ्रिज में रख के हम सो गए थे। तो अभी सहरी का टाइम है, सब लोग उठ चुके हैं, तो ये देखिए माशाल्लाह कितना गाढ़ा दही बना है, अम्मी की रेसिपी है तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर, बहुत ही मीठा और मज़े का दही बना है अल्हम्दुलिल्लाह। काइंडली हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।